Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तारीख 21/1/2021। प्यारे बच्चों, हमें आज अरबी की बुक में पेज नंबर 26 के ऊपर, पेज नंबर 26 के ऊपर वाव से वर्ड हुरूफ को आज हम लिखेंगे। वाव और वाव की कटे हुरूफ को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम हमारी अरबी की बुक में मुफ्रद हुरूफ वाव और कटे हुरूफ वाव दोनों हरूफ को हम देख सकते हैं, दोनों हुरूफ को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले मुफ्रद हुरूफ वाव है जो हम जूनियर केजी में सीख चुके हैं। आज हम क्या सीखेंगे? कटे हुरूफ, वाव की कटे हुरूफ सीखना है। तो ये है वाव की कटे हुरूफ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर वाव से वर्द, वाव से वर्द का माना है गुलाब का फूल। वर्द लफ्ज में शुरू में आने वाली वाव है, मुफ्रद हुरूफ वाव है। और यहाँ पर कटे हुरूफ वाव कौन से लफ्ज में है? साबुन, बाजू में साबुन है। साबुन लफ्ज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कटी वाव इसी तरीके से हम देख सकते हैं। साबुन लफ्ज में बा वाव के साथ मिला हुआ है, इसलिए कटे हुरूफ वाव मिलाकर लिख, जो लफ्ज मिलाकर लिखे जाएंगे उसी में कटे हुरूफ वाव होगा। यहाँ पर साबुन में भी है और यौमिया, यौमिया का माना है डायरी। यौमिया का माना क्या है? डायरी। तो यहाँ पर यौमिया लफ्ज में और साबुन लफ्ज में कटे हुरूफ वाव देख सकते हैं हम। प्यारे बच्चों, अरबी की बुक में मुफ्रद हुरूफ वाव लिखे हुए है और वाव मुफ्रद हुरूफ वाव लिखते हमें आता है, लेकिन आज हमें क्या लिखना है? मुफ्रद हुरूफ भी लिखना है और कटे हुरूफ भी लिखना है। तो यहाँ पर मुफ्रद हुरूफ वाव लिखे हुए भी है और वाव लिखना भी है बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर मुफ्रद हुरूफ वाव है, ये कौन सा हुरूफ है? वाव। मुफ्रद हुरूफ वाव से वर्द, इसी तरह हम लिखेंगे वाव से वर्द, वाव से वर्द, इसी तरह हमें लिखना है। वाव से वर्द का माना है गुलाब का फूल, जो हम इंग्लिश में इसे रोज कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह जितने भी बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं हम लिखेंगे मुफ्रद हुरूफ वाव, इसी तरह मुफ्रद हुरूफ वाव से वर्द लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। वाव से वर्द, वाव से वर्द का माना है गुलाब का फूल। इसी तरह हमें जितने भी बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं इसी अंदर हमें लिखना है मुफ्रद हुरूफ वाव। पहले हम मुफ्रद हुरूफ वाव को लिखेंगे, उसी के बाद हम कटे हुरूफ वाव को भी लिखेंगे। ये मुफ्रद हुरूफ है, कौन सा है? मुफ्रद हुरूफ। अब यहाँ पर कटे हुरूफ वाव कहाँ है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है कटे हुरूफ वाव। तो अब हमें यहाँ पर कटे हुरूफ वाव को लिखना है, तो हम इसी तरह वाव लिखकर आगे थोड़ा कट करना है, तो वो कटे हुरूफ हो गई। ये मुरक्कब हुरूफ कहते हैं हम अरबी में, इसे मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। ये वाव कटे हुरूफ वाव, ये जब लफ्ज मिलाकर लिख, लफ्ज मिले हुए होते हैं उसी में ये वाव हम देख सकते हैं, जैसे हमने पहले यौमिया और साबुन लफ्ज में देखा। यहाँ पर हमें वाव की कटे हुरूफ लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमें कटे हुरूफ समझ कर लिखने चाहिए ताकि हम आगे जो लफ्ज मिले हुए आएंगे उसमें हम समझ कर पढ़ सके, समझ कर लिख सके। तो ये कौन सा हुरूफ है? वाव की कटे हुरूफ है। हमें ये वाव की कटे हुरूफ याद रखनी चाहिए, वाव की कटे हुरूफ हम इसी तरह लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने पेज नंबर 26 के ऊपर वाव और वाव की कटे हुरूफ है वो हमने अरबी की बुक में ही लिखना है। हमारा होमवर्क क्या होगा? वाव और वाव की कटे हुरूफ को हमें हमारी अरबी की बुक में लिखना है। जितने भी बॉक्स दिए गए हैं उसी बॉक्स के अंदर पूरा पेज भरकर हमें होमवर्क करना है। तो हमारा होमवर्क क्या है? हमारी अरबी की बुक में पेज नंबर 26 के ऊपर वाव और वाव की कटे हुरूफ को लिखना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।